Good morning, all of you. My dear student and my dear friend, today I am going to teach you international trade theory. And in this theory, I'll teach you classical competitive cost advantage theory. Classical competitive cost advantage theory is oldest theory of international trade, because international trade ki jo first theory thi 1776 mein professor Adam Smith ne apne wealth of nations mein describe kiya tha. To jaise mere friends और मेरे कुछ स्टूडेंट के डिमांड थे कि सर हिंदी में मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो प्लीज़ हिंदी में कुछ बनाइए. सो इस करके आपके लिए मैं फर्स्ट वीडियो में अपना हिंदी बना रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि पसंद आएगी आपको. तो आप देख सकते हैं कि जो क्लासिकल कंपेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी है, इसके दो पार्ट होते हैं बेटा. एक पार्ट था एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, जिसे हम इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी बोलते हैं, इसको एडम स्मिथ ने दिया. और दूसरी थ्योरी थी कंपेटिव एडवांटेज थ्योरी इंटरनेशनल ट्रेड की, जिसे रिकॉर्डो ने दिया. तो आपको क्लासिकल थ्योरी में दो थ्योरी पढ़ना है, एब्सोल्यूट एंड कंपेटिव एडवांटेज, ये दो थ्योरी में. लेकिन इस वीडियो में आपको मैं पहले एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे. जैसा कि मैंने एक नोट किया, हाईलाइट किया, आप देख सकते हैं द थ्योरी दैट द फर्स्ट इंट्रोड्यूस इंपॉर्टेंस ऑफ द स्पेशलाइजेशन इन द प्रोडक्शन एंड डिवीजन ऑफ लेबर इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ द थ्योरी एब्सोल्यूट एडवांटेज विच इज डेवलप्ड फर्स्ट बाई एडम स्मिथ इन दिस फेमस बुक इन हिज फेमस बुक वेल्थ ऑफ नेशंस इन 1776. आप समझ गए होंगे, बेसिकली ये ट्रेड थ्योरी का मेन इंपॉर्टेंस ये है कि ये थ्योरी स्पेशलाइजेशन पर फोकस करती है और डिवीजन ऑफ लेबर पे. सिर्फ दो चीज फोकस किया, स्पेशलाइजेशन मतलब विशेषीकरण, स्पेशलाइज मतलब इसमें जिसमें विशेष योग्यता हो उसका प्रोडक्शन करने की बात करती है. और लेबर को डिवीजन का मतलब ये होता है कि कोई भी कंट्री उस लेबर को उसमें इंगेज करे जिसमें उसके स्पेशलाइजेशन हो. बस इस थ्योरी का कंक्लूजन यही है. और उसके बेस पे कैसे एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करेगी, वो किस बेस पे करेगी, इसको एडम स्मिथ ने एडवांटेज कंपेटिव एडवांटेज के अकॉर्डिंग आपको दिखाया है. तो अकॉर्डिंग आप एक लाइन नीचे पढ़ सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द एडम स्मिथ थ्योरी, आप देख सकती है अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ थ्योरी कहना क्या चाह रहा है कि द ट्रेड बिटवीन टू नेशंस इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट एडवांटेज. एवरी नेशन should specialize in the production of those goods which it can produce more cheaply than other and deals that commodity with the commodity which cost is other country less cost. मेरे बात तो समझ गए होंगे कि एडम स्मिथ का जो थीम था वो ये कहना चाहता है कि एक कंट्री उस चीज़ का प्रोडक्शन करे जो उसे चीप पड़ता है और उस चीज़ का इंपोर्ट करे जो उसे कॉस्टली पड़ता है. ऐसे ही दूसरी कंट्री उस चीज़ का इंपोर्ट करे जो उसे कॉस्टली पड़ती है और उस चीज़ का प्रोड्यूस करे जो उसे चीप पड़ता है. तो सिंपल थ्योरी है कि दो थ्योरी, दो कंट्री आपस में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करें, लेकिन वो उस चीज़ का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करें जो वो कॉस्टली बना सकते हैं उसको इंपोर्ट करेगा, जो चीप करता है उसको एक्सपोर्ट करेगा. जस्ट थ्योरी का कंक्लूजन्स यही है. ओके, हर थ्योरी के कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं, तो मैंने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ बेसिक पॉइंट लिया मैंने.
बेसिक पॉइंट है कि थ्योरी बेस्ड किस पर है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर पे, मतलब श्रम के विभाजन पे। फ्री ट्रेड अमंग कंट्री कैन इंक्रीज द ट्रेड ऑफ, और दूसरी बात ये थ्योरी फ्री ट्रेड पर बेस्ड है। थर्ड है ये थ्योरी कहता है कि वही बात फिर से है कि कंट्री प्रोडक्शन करेगा, प्रोड्यूस एट लोअर कॉस्ट एंड द अदर कंट्री प्रोड्यूस अनदर प्रोडक्ट एट अ लोअर कॉस्ट। ओके सब और बोथ कैन एक्सचेंज रिक्वायर क्वांटिटी एंड कैन एंजॉय बेनिफिट ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट ऑफ एडवांटेज। इट मीन्स टू नेशंस है और हर कंट्री एक्स वाई का प्रोडक्शन करेगी, तो जिसको एक्स चीप पड़ता है वो एक्स को बनाएगा और जिसको वाई चीप पड़ता है वो वाई को बनाए और एक दूसरे को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करे। सेम थ्योरी का थॉट है। तो आपको बेसिक पॉइंट जानना है, नोट करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम तीसरी मेन चीज़ आती है कि हर थ्योरी किसी न किसी एजम्पशंस पे बेस्ड होती है और बिना एजम्पशन के आप किसी थ्योरी को प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप एजम्पशन प्रूव करना है, कोई थ्योरी प्रूव करना है, तो आपको एजम्पशंस समझ में आनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कुछ एजम्पशंस यहाँ पर हैं, जैसे मैंने ले लिया हूँ वहाँ कि देयर आर टू कंट्री है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया जापान एंड इंडिया। फिर हमने लिया प्रोडक्शन सेम टू क्वांटिटी टू कमोडिटी, दे राइज एंड टीट, हमने लिया कि दोनों कंट्री में राइज एंड टी का प्रोडक्शन हो रहा है। लेबर इज ओनली वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पर लेबर सिर्फ एक फैक्टर है जो है लेबर है। ऑल लेबर ऑफ होमोजीनियस है, सप्लाई ऑफ लेबर जो है, टेक्नोलॉजी है, नॉलेज है, ये सब अनचेंज है। परफेक्ट मोबिलिटी है विद इन कंट्री और अदर कंट्री में नहीं है। गुड्स जो है वो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन हो रहा है और फ्री ट्रेड है। और मेन इम्पॉर्टेंट है कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। और तीसरी चीज़ है फुल एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ ये बात करता है परफेक्ट कंपटीशन की। तो आपको ये बेसिक एजम्पशंस माइंड में रखनी है, कल को आप सिविल में जाते हैं या इंडियन इकोनॉमिक सर्विस या UGC एग्जाम देते हैं तो वहाँ ही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से एजम्पशन बेटर है, कौन से एजम्पशंस सही है या नहीं सही है। तो एजम्पशन के साथ साथ आपको ये नॉलेज होना चाहिए एजम्पशंस कैसे आप रटेंगे। तो रटने जरूरत है, चीज़ें मेन में जान लीजिए एजम्पशन है। अब एजम्पशन आपने लर्न कर लिया, अब आपको मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ कि थ्योरी किस तरह से वर्क करती है। देखिए ओके सो देखो मैंने अब ले ली है बेटा जी, यहाँ पर एक एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट हमने लिया, टेबल देख सकते हैं। और हमने ब्रेकअप में लिखा है बिफोर ट्रेड, व्यापार करने से पहले। और देखिए हमने क्या लिया कि जापान और इंडिया दो कंट्री लिया, जापान को हमने ए से नोट किया हुआ है और इंडिया को हमने बी से नोट किया हुआ है। कंट्री में हमने टू गुड्स रेफरेंस में देखेंगे राइस एंड टी का लिया हुआ है। राइस को हम एक्स से और टी को हम वाई से डिनोट कर रहे हैं। मेरा यहाँ कंसर्न ये है कि अगर एक लेबर लगा करके जापान 20 यूनिट राइस का प्रोडक्शन कर सकता है और एक लेबर यूज़ करके वो टी का प्रोडक्शन कर सकता है, आई थिंक हम कह रहे हैं कि ये पर यूनिट एक लेबर 20 राइस प्रोड्यूस कर रहा है, एक लेबर 10 टी का। सेम यहाँ पर है कि इंडिया के पास है एक राइस के प्रोड्यूस करने के लिए, अगर वो एक लेबर लगाता है तो 20 यूनिट्स आप राइस का प्रोडक्शन कर रहा है और एक लेबर 20 टी का प्रोडक्शन कर रहा है। बेसिकली हमारा कहते हैं एक लेबर राइस, एक लेबर यहाँ पर हम लेबर की बात की है क्योंकि हमने कॉस्ट के टर्म में लिया, एक लेबर की कॉस्ट है। तो एक लेबर यूज़ करके आप 20 राइस का प्रोडक्शन कर रहे हैं, 10 इंडिया कर रहा है। तो अब आपको देखना है कि टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है राइस का, 20 राइस प्लस 10 राइस इंडिया में। तो जापान और इंडिया को दोनों का मिलाकर प्रोडक्शन 30 है और टी और इंडिया और जापान को मिलाकर 30 का प्रोडक्शन है। तो 30-30 पूरा प्रोडक्शन हो रहा है ओके। और अगर इंडिविजुअल देखें कि जापान में भी 20 यूनिट राइस का प्रोडक्शन कर रहा है और 10 यूनिट टी का प्रोडक्शन कर रहा है तो 30 उसका भी हो रहा है। और इंडिया भी 10 यूनिट ऑफ राइस का प्रोडक्शन कर रहा है और 20 यूनिट ऑफ टी का प्रोडक्शन कर रहा है तो टोटल 30 होगा, समझ गए। तो बेसिकली हमें अगर चाहते हैं कि वर्ल्ड का प्रोडक्शन 30-30 है, इंडिविजुअल प्रोडक्शन भी ठीक है, तो यहाँ राइस का 30 प्रोडक्शन है, इंडिविजुअल राइस का देखिए तो 30 है इंडिविजुअल ठीक है। अब आपको स्पेशलाइजेशन करने की बात कर रहे हैं,
तो आपको ग्राफ से क्या समझ में आया कि इंडिया को सस्ता किसमें है, इंडिया के अकॉर्डिंग उसको एक लेबर लगा करके 20 T का प्रोडक्शन कर रहा है। तो आई थिंक कि इंडिया को राइस टी का प्रोडक्शन करना चाहिए, ओके। और जापान को एक लेबर यूज करके 20 राइस का प्रोडक्शन कर रहा है, इट मीन्स जापान को प्रोडक्टिविटी बेटर है एज टू इंडिया, और इंडिया की प्रोडक्टिविटी है एज कंपेयर टू जापान इन टी में। तो टी का प्रोडक्शन कौन करेगा? इंडिया करेगा। और राइस का प्रोडक्शन कौन करेगा? जापान करेगा। क्लियर? तो अगर हम ये मान लें कि एक लेबर जापान, अपना एक लेबर सपोज है, जापान कितना लेबर यूज कर रहा है? एक लेबर यहाँ लगा रहा है, एक लेबर यहाँ लगा रहा है, तो टू लेबर यूज करके वो 30 का प्रोडक्शन कर रहा है। टोटल का मतलब एक लेबर, एक लेबर, तो एक लेबर लगा के 10 T बना रहा है। अगर वो एक लेबर टी से निकाल करके यहाँ लगा देगा राइस में, तो टोटल प्रोडक्शन कितना जाएगा? 40। वाई 40? बिकॉज एक लेबर 20 बना रहा है, तो एक लेबर टी से निकल कर अगर राइस में शिफ्ट होगा तो कितना बनाएगा? 40। सेम यहाँ पर देख लीजिए, इंडिया को सस्ता पड़ रहा है राइस बनाने में, क्योंकि एक लेबर 20 प्रोडक्शन कर रहा है टी का, और एक लेबर 10 प्रोडक्शन कर रहा है राइस का। तो बेटर होगा कि इंडिया राइस का प्रोडक्शन करे और एक लेबर यहाँ से निकाल करके यहाँ जाएगा, तो ये 20 जगह पे 40 हो जाएगा। तो बेसिकली फिर ये माइनस हो जाएगा, 40 40 हो जाएगा। क्लियर? मेरी बात क्लियर हुई? तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, अब देखो क्या निकलेगा बेटा जी। देखो राइस 40 हो गया और ये भी 40 हो गया। तो आफ्टर ट्रेड जब दोनों स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं कि ठीक है आप एक्स बनाइए, आप राइस बनाइए, मैं टी बनाता हूँ, तो सारा का सारा दोनों लेबर यहाँ लग जाएगी। तो एक लेबर अगर 20 बनाती है तो 2 लेबर 40 और ये भी 2 लेबर 40, तो टोटल प्रोडक्शन यू कैन से वर्ड देखो, राइस का प्रोडक्शन कितना था पहले? 30 था, अभी कितना हो गया? 40 हो गया। ऐसे टी का प्रोडक्शन कितना था पहले? 30 था, दोनों कंट्री मिला करके अभी 40 हो गया। इंडिविजुअल जापान टोटल अगर देखा जाए तो 30 का प्रोडक्शन करता था, और इंडिया भी 30 का प्रोडक्शन करता था इंडिविजुअल देखा जाए तो, अभी इसका 40 40 हो गया। तो दोनों कंट्री को 10 टन का फायदा हो गया इंडिविजुअल, और पूरे वर्ल्ड में 30 30 का फायदा हो गया। राइस का भी 30 का प्रोडक्शन हो गया, टी का भी 30 का प्रोडक्शन हो गया। क्लियर? एक आप ऐसे देख सकते हैं, हम एक और टेबल बना दिया, चेंज प्रोडक्शन कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर पहले 40 बनाता था, अब 40 बनाया तो 20 प्लस हुआ, और यहाँ 10 माइनस हो, क्योंकि यहाँ की लेबर लगा दिया, ये बिल्कुल नहीं बनाएगा, जीरो कर देगा माइनस में, और यहाँ जीरो का ये मतलब 10 बनाता था तो जीरो हो जाएगा, ये 40 40। तो दोनों कंट्री को 10 10 का फायदा हुआ, इट मीन्स वर्ल्ड में टोटल प्रोडक्शन 20 इंक्रीज हो गया। अब देखिए जापान को 20 की रिक्वायरमेंट थी तो 20 प्लस हो गया और 20 की एक्सपोर्ट करेगा, और इंडिया को 20 रिक्वायरमेंट थी, 20 प्लस 20 का एक्सपोर्ट करेगा, एक्सपोर्ट करके वो 20 मंगा सकता है 20 के बदले, अगर 1 by 1 तो 20 का। तो बेसिकली दोनों कंट्री को टोटल प्रोडक्शन में 10 और 10 यूनिट का बेनिफिट हो रहा है। तो इसमें क्या कंक्लूजन निकला कि एक कंट्री को उस, देखिए एक कंट्री को उस चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहिए जो उसे चीप पड़ता है, और जो उसे कॉस्टली पड़ता है उसको वो इंपोर्ट करे। और इसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि अगर स्पेशलाइजेशन करते हैं तो प्रोडक्शन चेंज हो जाता है, और प्रोडक्शन चेंज होने से आपने देखा कि दोनों कंट्री का बेनिफिट हो रहा है। ये थ्योरी का कंक्लूजन है, ये बोल ये आपकी समरी निकलती है कि एक कंट्री को प्रोडक्शन उसमें करना चाहिए जो चीप है, और उसको इंपोर्ट करें जो उसे कॉस्टली है। क्लासिकल थ्योरी में एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी का रोल ही था। बात यहीं पे फिक्स नहीं हो जाती है, आपको बताना है कि हर थ्योरी में कुछ क्रिटिसिज्म होते हैं, इसके भी क्रिटिसिज्म पॉइंट से ही आ जाएंगे। इन्होंने लास्ट माना कि लेबर इज ही एक ही है, तो ऐसा नहीं है कि लेबर बिना कैपिटल के आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने जो एजम्पशन दिया कि लेबर ही ओनली वन कास्ट है, ये भी ठीक नहीं है। दूसरी एजम्पशन है कि इन्होंने कांस्टेंट कास्ट दिया, इस मतलब कि एक लेबर इंक्रीज करेंगे तो जितनी प्रोडक्टिविटी पहले लेबर की उतनी प्रोडक्टिविटी इसकी बढ़ जाएगी, मतलब 20 था प्रोडक्शन एक लेबर की, एक लेबर आ तो 40% हो जाएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। कॉन्स्टेंट कॉस्ट की बात करता है, जो कि ये अनरियलिस्टिक एजम्पशन है। इग्नोर द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और फैक्टर मोबिलिटी बात करता है कि कंट्री से दूसरे कंट्री फैक्टर इमूवेबल है, लेकिन करंट सिचुएशन में ऐसा नहीं है। टू कम्योडिटी की बात करता है कि एक कंट्री सिर्फ टू ही कम्योडिटी बनाता है एक्स वाई, ऐसा भी नहीं है।
फ्री ट्रेड की बात करता है, देर इज नो फ्री ट्रेड एट इस टाइम। फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करती है कंट्री, फुल एम्प्लॉयमेंट किसी कंट्री होता नहीं है। टेक्नोलॉजी का रूल्स निगलेक्ट किया इसने, जबकि कॉन्स्टेंट हो ही नहीं सकती, वन साइड है क्योंकि ये सिर्फ उसकी वन साइड मतलब कि ये सिर्फ डिमांड साइड दिखता है, सप्लाई साइड की बात ही नहीं करता है, एक रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। और परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो कि कहीं एक हो ही नहीं सकता है। और लास्ट की नो सिमिलर टेस्ट, हम जो चीज़ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं हो सकता है दूसरी कंट्री में उसकी रिक्वायरमेंट ना हो, या जो चीज़ मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ दूसरी कंट्री पास प्रोडक्शन ना हो रहा हो। तो इस गलत में हम ये कहना चाहते हैं कि ये थ्योरी कुछ समय बाद फेल हो जाती है, और इसके बाद रिकार्डो की थ्योरी आती है जो कि एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी को क्रिटिसाइज करके अपनी थ्योरी देता है, न्यूलॉजिकली देता है। तो इस थ्योरी में आपने लर्न किया शायद, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक्स। नेक्स्ट थ्योरी में हम आपको कंपेटिटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी रिकार्डो की पढ़ाऊंगा। थैंक यू।